हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की 4B एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 6 तक डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग t-4 h(t-4) वेयर h(t) इज 1 इफ t ग्रेटर देन 0, 0 इफ t लेस देन 0। सेकेंड पार्ट इज t+9 h(t-9) वेयर h(t) इज 1, 0 इफ t ग्रेटर देन 0, t लेस देन 0। h(t) इज हैवी साइड फंक्शन, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप वहां से देख सकते हैं। लेट f(t) इज इक्वल टू t-4 ut-4 वेयर f(t) इज इक्वल टू t, L of f(t) is equal to 1 factorial upon s square is equal to 1 upon s square, equation 1 ले ली। By second shifting property we have L of f(t) is equal to L of t-4 ut-4 e की पावर माइनस ए एस, ए कितना है हमारे पास 4, e की पावर माइनस 4s L of f(t). f(t) की वैल्यू क्या है 1 अपॉन s स्क्वायर, e की पावर माइनस 4s अपॉन s स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव L of t+9 ut-9 L of t-9 +9 +9। यहाँ पे क्या किया हमने, -9 को एड कर दिया और +9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ut-9 L of t-9 +18 ut-9 L of f(t-9 ut-9। बिकॉज ये हमने क्यों किया, बिकॉज हमने ये वाला बनाना है और ये टर्म हमारी बन गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं t-9 ut-9। ये देखो कैसे, वेयर g(t) इज इक्वल टू t+18 L of g(t) इज इक्वल टू e की पावर, L of f(t) इज इक्वल टू e की पावर माइनस ए एस अप इंटू, ये हमारा a है, e की पावर माइनस ए एस L of g(t), सॉरी यहाँ पर e की पावर माइनस 9s L of g(t) आ गया। हमने इसको इक्वेशन 1 ले ली, वेयर हमारा g(t) कितना था t+18, L of g(t) इज इक्वल टू L of t+18, इसकी लैपलेस क्या होती है 1 अपॉन s स्क्वायर +18 अपॉन s। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा L of f(t) इज इक्वल टू e की पावर माइनस 9s इंटू इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन s स्क्वायर +18 अपॉन s, e की पावर माइनस a 9s s +18 s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।